नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सबों के बीच एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि ये इसमें बहुत से फ्रेंड्स का कमेंट रहता है कि ये जो अभी राइस मिल देख रहे हैं इसके बारे में आप हमें डिटेल से बताइए ताकि हम इसको बाय कर सके, और ये कहाँ पर मिलते हैं उसके बारे में हमें डिटेल से बताइए ताकि हम उसको जाके बाय कर सकते, इसके बारे में आपको आज हम फुल जानकारी देंगे गाइस, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे और आसानी से ये मशीन बाय कर सकते हैं। जो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरह से इसको डिजाइन किया गया है, जो कि एग्रोमैक्स कंपनी के द्वारा इसको डिजाइन करते हैं। जो अगर आप इसको सिंपल भी तरीके से अगर आपके यहाँ भी ये जहाँ पे ये वर्कशॉप रहते हैं वहाँ पे इसको डिजाइन किया गया है, तो ये एग्रोमैक्स कंपनी खुद इसको डिजाइन किया है। अगर आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो भी इसका इंजीनियर रहते हैं उनसे आप करवा सकते हैं। तो आपको हम इसके बारे में बता देते हैं गाइस को, देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, जहाँ पे ये पीटीओ कनेक्ट है वहाँ पे एंगल के द्वारा इसको कनेक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा तरह से एंगल को जहाँ से हमारा नॉट बोल्ट ये हॉल किया गया है वहाँ अच्छा तरह से इसको सेटिंग करते हैं, जहाँ पे वायरिंग से भी कनेक्ट किया गया है ताकि इसको रोटेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देख सकते हैं गाइस कि जहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक लगता है वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्टिच का प्रॉब्लम आया था, जहाँ पर फिर से वेल्डिंग करवाना पड़ा, तो जो अभी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट होने के कारण ये तीन बेल्ट में एक बेल्ट जो है ये थोड़ा सा ये टूट गया है, जिसका ये मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जब भी लोड ज़्यादा लेते हैं तो ये ज़्यादा नहीं होते और ये रनिंग भी करते हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर इसका लोड जो है इसकी क्षमता के अनुसार से ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से ज़्यादा घिस गए। जो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोड देते हैं यहाँ पे अच्छा तरह से ये बेल्ट दिए गए, ताकि ये अगर आप बहुत से धान कुटाई करते हैं तो उस समय आपका ये रनिंग के दौरान यहाँ पे हीट का ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम आने के कारण ये मकसद से बेल्ट दिया गया है। इसके साथ ही आपको एक प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे गाइस कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा करके ये एक वर्कशॉप में ऐसा डिजाइन किया गया है, जो कि सिंपल से दुकान से ये दो नंबर का होलर जो है राशि मिल बाय करके लाया गया है, और इंजीनियर खुद इसको अच्छे से डिजाइन किए हैं सेम ऐसा ही प्रोसेस से, जो जिससे आपको हम उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होंगे आप दूसरे क्षेत्र से मंगवा सकेंगे। तो आपको इसके बारे में फुल जानकारी देंगे गाइस कि इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कहाँ से बाय कर सकते हैं, इसको कितना आपको कॉस्ट आएंगे इसके बारे में, तो हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहेगा। जो अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो इस राइस मिल संबंधित होलर संबंधित तो हमारे कमेंट को जरूर कमेंट कीजिएगा। जो देख सकते हैं यहाँ पे जो पीटीओ से कनेक्ट होता है वो पीटीओ का इसका आरपीएम जो बता देगा इसकी 540 आरपीएम ये अभी रनिंग करते हैं, जहाँ कि हमारे ट्रैक्टर का आरपीएम अलग अलग डिफरेंट आपको मिलेंगे, जो इसका कन्वेयर करके जो कि 1800 समथिंग में सभी ट्रैक्टर का आरपीएम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पीटीओ यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे 540 आरपीएम पे इसको चला सकते हैं, तभी आपका ये रनिंग करेंगे। और इसमें देख सकते हैं 8 नंबर का वहाँ पे पुली लगा, जो कि देख सकते हैं आरसीएम कंपनी का ये रजिस्टर कंपनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये राइस मिल, जो बहुत ही टाइम से ये सभी कस्टमर के यहाँ पे अच्छा फीडबैक मिलते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आते हैं। जो देख सकते हैं गाइज कि आप सबों का जो सवाल था ये एग्रोमैक्स कंपनी का, जो आपको हम डिटेल्स बता दें तो ये बिहार के बिंदा इंडस्ट्रियल ईस्ट प्लॉट नंबर 37 से आपको यहाँ पे जो इसका पिन कोड बता देगा ही, तो 847234 मधुबनी बिहार में अगर आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस क्षेत्र से आसपास रहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से बिहार में अगर आप है तो यहाँ पे आके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इस मशीन को बाय कर सकते हैं। जो आप खुद इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा ही और आपका जो भी सवाल है यहाँ पर इनसे पूछ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा इसमें वर्क करते हैं गाइस। इसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वैरायटी में ये मशीन बनाते हैं, तो वहाँ से आप जो भी मशीन बाय करना चाहते हैं जितने भी प्रकार के आपको, और हम डिटेल्स बता देते हैं गाइस कि क्या सब ये मशीन बनाते हैं। जो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे धान गेहूँ मकई सरसों जितने भी प्रकार के ये मशीन है यहाँ से ये डिजाइन करके बहुत ही अच्छा तरह से डिजाइनिंग करते हैं ये कस्टमर के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो और हम आपको डिटेल्स बता दें, ये एग्रोमैक्स कंपनी के द्वारा जो भी डिजाइन किया जाता है वो बहुत ही अच्छा तरह से, इसके पास बहुत ही कम
इसका बजट है जहाँ से हम बात किए गए कि अदर क्षेत्र से यहाँ पे आपको कुछ न कुछ कम बजट में आपको सामान मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा तरह से यहाँ पे ये सामान का आपको वारंटी के साथ इसमें देते हैं। तो जो भी कस्टमर यहाँ पे जाएंगे तो इनसे बात कर लीजिए पहले, उसके बाद ही अगर आपको बजट इस अनुसार क्षमता के अनुसार है तो ये सामान सब बाय कर सकते हैं। चाहे देख सकते हैं जितने भी प्रकार के वैरायटी आते हैं, ये सभी प्रकार के वैरायटी ये डिजाइन करके आपको सहूलियत के अनुसार ये कंपनी बनवा के देते हैं। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर पधारें और ये इस मशीन को वहाँ पे जाके खुद से चेकिंग करके मशीन बाय कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन आपको हम मेंशन कर दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइस।